सो गाइस, वंस अगेन आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आप राजगीर वाले भैया यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और साथ ही साथ मेरे हाथ में आप एक अमेजोन का पैकेज देख रहे होंगे। ठीक है, मैंने एक माइक मंगवाया है जो कि वायरलेस माइक है और कंपनी है ग्रीनारो। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट आइटम टाइप क्या क्या। ठीक है, तो ये अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है। ये चीज़ आप फ्लिपकार्ट पे शायद नहीं है, अभी आ जाएगा वो फ्लिपकार्ट पे, तो ऑर्डर कर लेना वहाँ से भी। लेकिन मैंने अमेजोन से किया है, लगभग मुझे 1199, 1200 रुपये पड़े हैं। और देखते हैं ये कितना वर्दी है, मतलब पैसा बर्बाद तो नहीं हो गया ना इसको खरीदने से। रिव्यू भी करेंगे वीडियो में, अनबॉक्सिंग भी करेंगे, क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग इसका कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके का आपको देख सकते हैं पैकेजिंग आपको मिलेगा। देन पैकेट के अंदर आपका मेन प्रोडक्ट रहता है जो आपने मंगवाया है माइक, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इनका जो बिल होता है, आपने जो मंगवाया है कितना पैसा खर्च हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी रहती है। बिल तो बिल चेक कर लेना। उसके बाद देखो ग्रीनारो का जो मेन माइक है वो रहता है, बाकी डब्बा खाली है, तो ये मेरे काम का नहीं है। अभी यहाँ पर माइक को देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटे से प्यारे से पन्नी में ये पैक रहता है। ठीक है, और पैकेजिंग की बात करी जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब डिसेंट कहेंगे, ज़्यादा ख़राब ना ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर देख लो QR कोड है, नाम लिखा हुआ है ग्रीनारो वायरलेस लेवेलियर माइक 1-to-1। मैंने 1-to-1 मंगवाया है, एक इसी में 1-to-2 भी आता है, मतलब दो दो माइक वाला, तो वो मैंने नहीं मंगवाया। ठीक है, बाकी इस तरीके का पैकेजिंग है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे निकालना है बाहर और देख लेते हैं ये मेन प्रोडक्ट का। अब इसका अनबॉक्सिंग हम लोग करेंगे। उससे पहले, अनबॉक्सिंग करने से पहले आप देख लो इसका ओवरव्यू दिखता कैसा है इसका पैकेट। एंड इधर लिखा हुआ है वायरलेस माइक्रोफोन, आगे इधर कुछ नहीं है। पीछे में इनका मेन जो हाईलाइटेड फीचर्स होते हैं वो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आप देख पाएंगे, जैसे कि प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले मतलब आप ऑन करिए, अपने कनेक्टर को मोबाइल में लगाइए, कॉलर में अपना माइक लगाइए, चालू हो जाएगा। फिर इसका बोला गया 20 मीटर इसका रेंज है। ठीक है, एसेसेबल और रिसेप्शन, तो आप समझ रहे हैं 20 मीटर तक आप इसका रेंज पकड़ सकते हैं। बाकी वॉल्यूम देखेंगे, नॉइस कैंसिलेशन देखेंगे। ठीक है, और इजिली कंफर्टेबल तो है ही, कहीं भी ले जा सकते हो इसको। उसके बाद मैंने 1-to-1 मंगवाया, इसीलिए मार्कर से 1-to-1 पे क्लिक किया हुआ है, देख सकते हो सेलर ने मार्कर से क्लिक किया इस पर। बाकी 1-to-2 में दो माइक आता है, वो मैंने नहीं मंगवाया, वो लगभग 2000 के आसपास में आता है। मैंने एक मंगवाया तो 1000 पड़ा है। ठीक है, इस तरीके से पैकेट रहेगा, आगे में कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा। ये एक पतली सी पन्नी से ये पूरा पैक है। अभी इस पन्नी को मैं फाड़ने की कोशिश करूंगा कैंची के माध्यम से, सीजर के माध्यम से। ठीक है, तो ताकि आप यहाँ पर देखो, तो इधर भी कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं साइड में, 360 डिग्री वगैरह वगैरह, तो आप देख सकते हैं सारे फीचर्स आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको, ये काफ़ी सेटिस्फाइंग है ऐसे फाड़ना, पन्नी फाड़ने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोग को मज़ा आता है कि नहीं बताना अपना। देन आप इसको फाड़ने के बाद कुछ इस तरीके से लगता है, न्यू न्यू है ना, तो थोड़ा चमकेगा ही। तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, अंदर का मेन प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है। सो ये इसको ऐसे खींचने से निकलेगा। तो यहाँ पर देखो, ये रहा मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अंदर में वारंटी कार्ड है, बाकी डब्बा खाली है, डब्बा को साइड करते हैं। इन इस वारंटी कार्ड को देख लो क्या दिया रहता है, ग्रीनारो वारंटी कार्ड एंड सो ऑन, सारी चीज़ें डियर कस्टमर वगैरह लिखा रहता है आपके लिए। पीछे में कैसे अवेल करना है, क्लेम कैसे करना है, वो भी है। सारे इन्फॉर्मेशन को आप वीडियो रोक के पढ़ भी सकते हैं। लास्ट में देखिए वारंटी रिकॉर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आप फॉर्म बॉय में अपना नाम वगैरह भर के भेज सकते हैं, लेकिन यूजलेस है मेरे लिए। फिर मेन प्रोडक्ट ये है आपका ग्रीनारो का कनेक्टर एंड माइक, एंड यहाँ पर ये इसके अंदर केबल होगा सारा। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये कनेक्टर है ग्रीनारो कनेक्टर, ये आपके मोबाइल में फिट होगा, लगेगा। ठीक है, यही आपका कनेक्शन पकड़ेगा माइक्रोफोन का। ठीक है, तो ये जरूरी है। एंड ये आपका मेन प्रोडक्ट है माइक, लेवेलियर माइक। ठीक है, वायरलेस माइक जिसको बोलते हो। तो ये माइक कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इसका साइज इतना ही है। और बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो डिसेंट है। ठीक है, ज़्यादा मजबूत भी नहीं है और ना ही ज़्यादा कमज़ोर है, डिसेंट है, एवरेज लेवल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे दोनों का जो आप देखेंगे बिल्ड क्वालिटी सेम ही है, बाकी ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, फालतू चीज़ें हैं। नीचे में फोम के नीचे आपको दिया हुआ है यूजर मैनुअल गाइड, जो कि आजकल कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन आपका पढ़ने का शौक़ है आप, तो इसको क्या करूँगा, देखिए वीडियो आप रोक रोक के पढ़ सकते हो। मॉडल कौन सा है, इंट्रोडक्शन देख सकते हो, ID डायग्राम देख सकते हो, हाउ टू यूज, हाउ टू यूज़ तो मैं वीडियो के एंड में ही बताऊँगा ही, तो हाउ टू यूज करना आपको आ जाएगा। अब इसी लिस्ट में आप यहाँ पर देखेंगे अबाउट UI एंड साथ ही साथ यहाँ पर पैकेजिंग लिस्ट,
पैकेट में आपको क्या क्या मिला है, माइक्रोफोन ट्रांसमीटर मिला है, ये सारी चीजें, और लास्ट में आप देखिए रेड कलर का मोहर लगा हुआ है, मतलब चेक होकर के आया है, साउंड टेस्टिंग वहां से सेलर करके भेजे हैं, ठीक है, सर्टिफाइड है पूरी तरीके से। देन यहाँ पर देखो, इसके अंदर आपका केबल मिलेगा, कनेक्टर मिलेगा, ट्रांसमीटर मिलेगा, जो भी है ओटीसी केबल मिलेगा, सारा चीज यहाँ पर इसके अंदर रहता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मिला है इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको टाइप ए टू टाइप सी एक केबल मिलता है, इसके थ्रू आप चार्जिंग कर पाएंगे, चार्जिंग अपना माइक का, कनेक्टर का, ठीक है, तो ये चार्जिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ये रहा आपका मेन केबल, एंड अब देखते हैं कनेक्टर को। यहाँ पर दो दो कनेक्टर मिलते हैं, एक आईफोन के लिए और एक नॉर्मल टाइप सी मोबाइल के लिए, ठीक है। तो याद रहे, आपका अगर मोबाइल में टाइप सी सपोर्ट करता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करता है तो आपको ओटीजी केबल खरीदना पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि ये टाइप सी वालों के लिए ये माइक बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका यूएसबी टाइप अलग है वो नहीं यूज कर सकते, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा में खर्च करना पड़ेगा, मार्केट में जाके ओटीजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो, ये है दोनों का देख लिया, आईफोन वाले आईफोन वाला यूज करेंगे, एंड साथ ही साथ ये है आपका टाइप सी वाला, ठीक है। तो ये रहा आपका, देख लो, बाकी ये वाला यहाँ पर भी फिट हो जाता है और इसको आप लगा सकते हैं आईफोन में, एंड इधर से आप अपना जो एयरफोन है उसको लगा सकते हैं, फिर वहां से वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसका यूज करना है, हाउ टू यूज। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ये इतना ही प्रोडक्ट आपको मिलता है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है, आप देख लो, बस इतना ही है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, साउंड क्वालिटी वगैरह सब सही है इसका, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, और यहाँ से ये पन्नी उखाड़ देते हैं। उसके बाद आपको इसको अगर एक्टिव करना होगा तो इसमें एक बटन मिलता है, ठीक है, पीछे साइड में, और ये वाला जो आप देख रहे हैं जो कॉलर में लगना है, ये भी ठीक है, डिसेंट है, क्वालिटी सही है। अब इसका हम लोग हाउ टू यूज़ वाला सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में साउंड क्वालिटी के बारे में भी आपको बताएंगे, और इससे आप पता कर पाएंगे लेना है कि नहीं लेना है, लास्ट के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें तो आपको दिखाई दिया। साउंड टेस्टिंग के लिए आप, मैंने एक फोन ले लिया है, एंड साथ ही साथ इसको कैसे यूज करते हैं पहले वो सीख लो, फिर साउंड टेस्टिंग भी देख लेंगे, हाउ टू यूज। तो सबसे पहले आपको कनेक्टर आपके पास होना चाहिए, ट्रांसमीटर जिसको बोलोगे, एंड माइक, यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आप देखो, मेरा फोन तो है जो टाइप सी सपोर्ट करता है, तो मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, टाइप सी है तो टाइप सी लगा लेंगे इसमें, अगर आपका टाइप सी नहीं है तो ओटीजी मार्केट से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लगा लिया, मेरा डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा भैया, तो यहाँ पर इनका रेड लाइट जलने लगता है, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ना, रेड लाइट दिख रहा है आपको, लाइट मैंने कम कर दिया, आप दिख रहा होगा, हाँ, तो ऐसा जलने लगेगा। अब इसको अपने कॉलर पर लगाना है, उससे पहले आपको माइक को ऑन करना पड़ेगा। इनका एक बटन दिया रहता है, आप देखो, मैं इसको थोड़ा क्लियर दिखाता हूँ, यहाँ पर माइक में ही एक बटन रहता है डेडिकेटेड ऑन ऑफ का, तो यहाँ से आप ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये ऑफ आता है तो ऑन करना जरूरी है, तभी जाके कनेक्ट होगा, नहीं तो पता चला आप ऑन नहीं किए, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आवाज़ ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑन करने से कैसे, यहाँ पर भी एक लाइट जलता है, मैं दिखाता हूँ आपको ऑन करके, जैसे आप ऑन करते हो तो एक सिग्नल जलता है रेड का, फिर ग्रीन हो जाता है, मतलब आपका ऑन है एंड फुल्ली चार्ज है, ठीक है, ग्रीन मतलब फुल्ली चार्ज्ड है आपका। देन आप कुछ नहीं करना है, हो गया, इतना ही था। अब कॉलर में लगाओ, कैमरा खोलो, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो, और आवाज़ आपका रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा माइक के थ्रू, ठीक है। अब कई दिक्कतें आती हैं यहाँ पे यार, कि आपका मोबाइल जो होता है ना, ये ग्रीन एरो का जो माइक है सपोर्ट नहीं करता है। वैसे मेरे केस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो कैमरा है इस माइक से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, आवाज़ भी अच्छा आता है, तो कैमरा मेरा सुटेबल है, सपोर्टिंग है। लेकिन बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन में जो होता है, ग्रीन एरो का माइक सपोर्ट नहीं करता है, कैमरा जो आपका ओरिजिनल कैमरा होता है वो, अगर कैमरा से सपोर्ट नहीं हो रहा तो एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ओपन कैमरा, आपने सुना होगा काफ़ी फेमस है, बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाते हैं इससे, तो ओपन कैमरा इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, एंड इसको ओपन कर लेते हैं, जितने भी परमिशन मांगता है सब कुछ दे लेते हैं, अच्छा ऐप है, कोई ख़राब नहीं है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो सारे परमिशन दे सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है वीडियो सेटिंग में, क्योंकि आप माइक का रिकॉर्डिंग करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू ही करेंगे, तो वीडियो सेटिंग में आपको जाना है। वीडियो सेटिंग में आप जब जाइएगा, एक बार क्लिक कर लेते हैं, हुआ नहीं, फिर से क्लिक कर लेते हैं वीडियो सेटिंग। उसके बाद देखो, यहाँ पर नीचे में ऑडियो का ऑप्शन आता है, वहाँ पर एक्सटर्नल माइक, यानी आप जो बाहर से माइक लगा रहे हैं उसके लिए, तो एक्सटर्नल माइक के लिए क्लिक कर लीजिएगा, फिर वापस से आ करके वीडियो रिकॉर्डिंग पर जा करके वीडियो रिकॉर्डिंग करिएगा, और आप बोलिएगा, सारा चीज़ रिकॉर्ड होगा, और वो भी माइक के थ्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइक सपोर्ट ले लेता है इस ऐप में। तो अगर आपका फ़ोन
ओरिजिनल कैमरे में सपोर्ट नहीं ले रहा है माइक, तो ये वाला ऐप डाउनलोड करके काम चला सकते हो, ठीक है। अब आपको डाउनलोड करने का मन है कि नहीं करने का मन है तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। या इट इज शिवम, हेलो 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 चिक, हेलो हेलो, यस दिस इज शिवम, हेलो चिक, हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी, हेलो हेलो चिक। अगर बात की जाए नॉइस कैंसिलेशन की तो नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, बिकॉज देख लो अभी वो वाले घर में काम चल रहा है और खड़खड़ की आवाज़ आ रही होगी, मशीन चल रहा है, और साथ ही साथ नीचे में जो इन्वायरमेंट है थोड़ा नॉइजी इन्वायरमेंट में मैं रहता हूँ, आप देख सकते हैं गाड़ी वगैरह आती जाती रहती है, लोगों का क्राउड रहता है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन जो होता है ना, अगर आप शांत वातावरण में अगर बनाते हो तो वैसे ही आपका नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाता है, लेकिन अगर आप क्राउडी वगैरह जगह में बनाते हो, जैसे कि उधर आवाज़ हो रहा है, इधर गाड़ियां वगैरह जा रही है, इस तरीके के इन्वायरमेंट में बनाओगे वीडियो तो रियली डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन नॉट अप टू द मार्क है, बिकॉज आप देख पा रहे होंगे इसका आउटपुट। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ, उसके बाद ज़्यादा समझ में आपको आएगा कि कैसा है। तो देख लिया इस तरीके का है इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है, जैसा बोया वाले माइक का था वैसा ही इसका भी है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर आपको वायर का माइक चाहिए तो बोया वाला ले सकते हो, अगर आपको वायरलेस माइक चाहिए तो ये ले सकते हो। साउंड क्वालिटी की बात करी जाए तो ये भी कुछ ज्यादा ऐसा अच्छा है नहीं, 10 में से अगर नंबर देने रहे मुझे तो मैं इसको 6 या 7 नंबर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। वॉइस लाउड आएगा लेकिन जो आवाज़ मक्खन की तरह क्लियर होता है ना, एकदम जो बोल रहे हो वही जा रहा है, तो वैसा आवाज़ थोड़ा उसमें डिसअपॉइंट हो जाते हैं हम लोग। जैसा बोया का माइक है उसी तरीके का ये भी माइक है, और आवाज़ लाउडनेस वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो मैं इसी से शूट कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे लाउड तो जा रहा है लेकिन आवाज़ में थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा घर घर है। तो यही था पूरा रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।